सेंधवा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 देसी पिस्तौल और एक कट्टा जब्त और अन्य सामान बरामद किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले सेंधवा पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 20 पिस्तौल और 2 कार जब्त की थी। दोनों ही मामलों में आरोपियों से हुई पूछताछ में ध्रुवे सिंह बरनाला निवासी उमरटी का नाम सामने आया है, जिससे उन्होंने हथियार खरीदे थे। आरोपियों की निशानदेही पर सेंधवा पुलिस ने ध्रुवे सिंह के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया और 3 देसी पिस्तौल सहित अन्य हथियार और हथियार बनाने का सामान जब्त किया। ये 5 जून 2021 को थाना सेंधवा शहर द्वारा और 6 जून को जो 16 कट्टे और 4 कट्टे क्रमशः जब्त हुए थे, इसमें 2 अपराध आर्म्स एक्ट के दर्ज थाना सेंधवा शहर में हुए थे। उसमें उन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पता चला था कि ध्रुवे सिंह बरनाला, जो कि उमरटी रहने वाला है, इसके द्वारा उनको हथियार दिए गए थे, जिसके आधार पर उससे पूछताछ की गई और उससे 3 देसी पिस्टल, 1 देसी 12 बोर पट्टा और 55,000 रुपये जो उसके खाते में जमा करवाए थे, उसको पुलिस द्वारा जब्त करके उसको आज जेल दाखिल कर रहे हैं। और क्या सामग्री पकड़ी गई सर इसमें? इसमें कट्टे बनाने की सामग्री भी जब्त हुई है और ATM और एक फोन उस समय उसका प्रयोग किया गया, वो उसको भी जब्त किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में TI बलदेव सिंह मुजालदा, छगन सिंह चौहान सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर RS जाट, नारायण पाटीदार रविंद्र और संपूर्ण थाने का स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। अभी तो पुलिस में पहले एक बार इसके ऊपर अपराध दर्ज है और अभी ये दूसरा वाला अपराध दर्ज हुआ है और आगे भी कोई जानकारी पता लगे तो कार्रवाई की जाएगी। पहले कौन सा अपराध था? पहले आर्म सेक्टर का इसके ऊपर दर्ज है, ये दूसरी बार का है। फिलहाल पुलिस हथियार बनाने वाले से पूछताछ कर और भी जानकारी निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।